अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हुकुम एक तो इनका मकान तोड़ा जाए गुंडों का। बताया भी एसपी अभी पहुंचे हैं कि संबंध में पहुंचे थे किसी विषय को लेकर आपने चर्चा करी अभी? आज हम अखिल भारतीय राजपूत समाज के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि भेरूगढ़ में हमारे एक राजपूत परिवार जो कि वहाँ पे अकेला परिवार है, उनके परिवार में रात को 10:30-11 बजे कुछ गुंडा तत्व ने उनके घर में घुसकर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और कुछ जो युवा हमारे बुजुर्ग थे उनको भी मैं लाठी और तलवारों से हमला कराए। उसी संबंध में आज अखिल भारतीय राजपूत समाज के हम सब माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और ज्ञापन हमारा स्वीकार हुआ है और उचित कार्रवाई की हमने मांग की थी उनने हमको आश्वासन दिया है उनके, क्योंकि उनने गर्भवती महिलाओं को भी मारा कुटी करी है, लात मारी है और उनके मकान तोड़ने की हमने जो मांग की है उसमें साहब ने उचित कार्रवाई करने के लिए हमको आश्वासित किया। अच्छा, कौन लोग थे और किस बात को लेकर विवाद था? विवाद कोई छोटे बच्चों की मोटरसाइकिल का आमना सामना कुछ हुआ था, उसके हमने 24 घंटे बाद रात में हमने 10:30-11 बजे इस घटना को अंजाम दिया है। आपका परिचय? सर, राजपूत समाज के कुछ लोग आए थे भेरूगढ़ क्षेत्र में, कुछ वाद विवाद का मामला था, क्या कुछ मामला था? हमारा नाहरगढ़ क्षेत्र में परसों रात में झगड़ा हुआ था जिसमें कि फरियादी की तरफ से धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ की उनके द्वारा जो ज्ञापन था वो लिया गया है और साथ ही साथ इनके विरुद्ध सख्त प्रतिबंधक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और पूर्व में जिन धाराओं में जमानत है उसको कैंसिल कराने के लिए माननीय न्यायालय में भी आवेदन किया गया है। ठीक है, थैंक यू।